कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। रानी जयवंता बाई को पता चलता है कि प्रताप ने औषधि वाली ठंडाई नहीं पी थी और उन्होंने नीम का सर स्वांग रचा था। तभी वे महाराज उदय सिंह तक ये समाचार भिजवाने का निर्णय लेती हैं। दूसरी तरफ महाराज उदय सिंह प्रताप को जाते देख भाव विभोर हो जाते हैं। उधर मान सिंह की कड़ी चौकसी के बावजूद भी प्रताप बैलगाड़ी से भागने में सफल हो जाते हैं। कुंवर प्रताप राजमहल में वापस आते ही चुंडावत जी से राजा राणा बहादुर के स्वागत की बात सुनकर उनके विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसी घटनाक्रम में प्रताप अपने दाजी राज के रणकक्ष में पहुंच जाते हैं, जहां उदय सिंह सभी सामंतों के साथ युद्ध की रणनीति तैयार करते हैं और राणा बहादुर को मेवाड़ का ध्वज सौंपते हैं। अब आगे मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ का ध्वज अब आपके हाथों में है राज राणा जी, और आपका एकमात्र उद्देश्य अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराना है। ऐसा ही होगा राणा जी। बहुत अच्छे। शम्स खान के बहुत से हथियारबंद सैनिक हर समय इस अफगान ध्वज की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इसलिए जब हम शम्स खान के साथ युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहे होंगे और उसका ध्यान वहां युद्ध के मैदान में होगा, तब आप अपने सैनिकों के साथ अफगान सिपाहियों को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराएंगे। अर्थात अफगान ध्वज को उखाड़ के उसकी जगह मेवाड़ का ध्वज फहराना, यही हमारी विजय का संकेत होगा। राज राणा जी, ऐसे तो यह कार्य असंभव है, लेकिन आप जैसे शूरवीर के लिए नहीं। अगर युद्ध के मैदान से हम में से कोई भी जीवित वापस नहीं आया तो इस ध्वज के लिए आपको जीवित रहना होगा, क्योंकि यह ध्वज नहीं मेवाड़ का गौरव। और अगर आपने अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहरा दिया तो हम सबके बलिदान को एक अर्थ मिल जाएगा। अपने रक्त की आखिरी बूंद तक इस मातृभूमि के लिए आपके द्वारा सौंपा गया कार्य हम पूरा करेंगे राणा जी। मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अन्नदाता के लिए अंतपुर से एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ, केवल हुकुम के पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ देर प्रतीक्षा करो। रावत जी, हो सकता है कि संदेश महत्वपूर्ण हो, आने दीजिए। आदरणीय हुकुम, सादर प्रणाम। अत्यंत खेद के साथ आपको इस चिंताजनक स्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं। एक बार प्रताप ने नीम की औषधि मिलाई हुई ठंडाई नहीं पी थी, इसलिए वे महल से गाड़ी में बाहर ले जाते समय सचेत थे। जयवंता, प्रताप, हमें क्षमा कर दे दाजीराज, हमें विवश होकर ये करना पड़ा है। जब सारा मेवाड़ संकट से घिरा हो तो हम कैसे सो सकते हैं, और अब आपका ये सपना हमने जान लिया है तो आपका सपना अब अवश्य पूरा होगा दाजीराज। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे हम करेंगे। राज ने औषधि वाली ठंडाई नहीं पी। नहीं रावत जी, माने वो अचेत नहीं थे, अचेत होने का स्वांग कर रहे थे। अगर कुंवर प्रताप अभिनय कर रहे थे तो इसका मतलब जरूर उनके मन में कोई नई उदंडता चल रही होगी। रावत जी, इस समय वो मान सिंह जी के साथ भी नहीं होंगे, अवश्य उनकी गाड़ी से कूद कर भाग गए होंगे। हम में से कोई नहीं जानता कि इस समय कुंवर प्रताप कहाँ है, वो कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो शम्स खान के जंगल में हो। नहीं होगा, अरे हम बाऊजी राज को जानते हैं, वो शम्स खान के जंगल में तो कभी नहीं फंसेंगे।
और इस समय बाऊजी राज के मन में क्या चल रहा है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? इस समय कुंवर प्रताप यहाँ इस गढ़ में है जी राणा जी, और जो बात हम सब उनसे छुपाना चाह रहे थे, मैं लगता है कि किसी तरह से वो बात बाऊजी राज को पता चल गई, और सब जानने के बाद वो स्वाधीनता की इस लड़ाई से स्वयं को कैसे दूर रख सकते थे। भले ही बाऊजी राज की देह अभी कोमल है, किंतु मन से वो पूरे रणबांकुरे हैं। शत्रु का सर काटने के लिए हमारी तरह उनका भी लहू उबाल भर रहा होगा। अगर वो ये सब जानते थे रावत जी, तो ये भी अवश्य जानते होंगे कि हमारी आज्ञा के साथ ही उन्हें यहाँ से इतनी दूर भेजा जा रहा था। फिर भी उन्होंने स्वांग रचा और एक बार फिर हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या एक राजपूत रणबांकुरे की यह गरिमा है? बात दीजिए रावत जी। नहीं होगा तो फिर ढूंढिए उन्हें, इससे पहले कि कुंवर प्रताप कोई नया संकट खड़ा करे, ढूंढिए। जी राज महल में ही कहीं हैं, वो जो उन्हें तत्काल बंदी बना लो, काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी में? ये राणा जी का आदेश है और इसका पालन करने में किसी तरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोठरी में डालने के लिए? हम जानते हैं कि दाजीराज को लग रहा होगा कि हम फिर से उनके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। दाजीराज, आप समर्पण क्यों नहीं कर लेते? हमने समर्पण किया तो वे हमें फिर से कहीं दूर भेज देंगे, सो युद्ध से दूर। और हमने शपथ ली है कि मेवाड़ को स्वाधीन करने का जो दाजीराज का सपना है, उसे हम पूरा करके ही रहेंगे। और अगर हमने समर्पण कर दिया तो हमारी शपथ झूठी हो जाएगी। सो पकड़े जाएंगे। लेकिन आप कहाँ जाएंगे बाबूजी राज? सैनिक तो आपको पूरे गढ़ में खोज रहे हैं। एक जगह है जहाँ वो हमें कभी नहीं खोजेंगे। महारानी सा, जी गिरजा दानी, दूध पी लीजिए। प्रताप का कुछ पता नहीं जी, गले में अटका हुआ है, दूध कैसे पी? न जाने वो कहां होंगे, किस दशा में होंगे। यहां हमारा भविष्य भी निश्चित नहीं, किस पल रण आरंभ हो जाए, कब यहां धड़ से कट के शीश गिरने लगेंगे हम नहीं जानते। कब हमें जौहर की आग में कूदना पड़ जाए नहीं पता। हम जौहर से नहीं डरते गिरजादाई, प्रताप के लिए डर रहे हैं।
माँ है ना, बस उनकी कुशलता एक बार जान जाए फिर हमें किसी चीज का डर नहीं। महारानी सा, बाऊजी राज को कुछ नहीं हो सकता। भगवान मुरारी ने हर अवसर पर आपकी सहायता की है। लीजिए, दूध पी लीजिए। लीजिए और सो जाइए। आप भी सो जाइए दुर्जा भाई। जी महारानी सा। आप सबसे छल कर सकते हैं पर अपनी मासा से नहीं। उनकी माँ आंखों से नहीं अपने हृदय से देखती है। आ जाइए प्रताप, आइए ना प्रताप। हम आपसे अवश्य मिलने आएंगे जौहर जैसे संकट को मिटा देने के बाद। अवश्य आएंगे मासा। हे मुरारी, मेरे लाल की रक्षा कीजिए। आज तक राज राणा बहादुर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ युद्ध में जिसके लिए भी भाग लिया है वो राजा उस युद्ध में विजय रहा है। युद्धों ने राज राणा बहादुर के शरीर को कई घाव दिए। लोग अक्सर उनकी तुलना महान योद्धा राणा सांगा से करते हैं।
ये सैनिक हमें ही ढूंढ रहे हैं। सुल्तान जी, हुकुम। ग्वालियर से 500 सिपाहियों की टुकड़ी कब तक मेवाड़ पहुंच रही है? हुकुम, वो वहां से निकल चुके हैं, परंतु उन्हें मेवाड़ पहुंचने में एक दिन और लगेगा। एक दिन? ठीक है। उन्हें गढ़ के पिछले वाले गुप्त द्वार से अंदर लाने का प्रबंध किया जाए, और ध्यान रहे शम्स खान को कानो कान खबर ना हो कि हम उस पर आक्रमण करने वाले हैं। उसे इसी भ्रम में रहने दो, वो हमारे ही हथियारों से हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। आप चिंता ना करें हुकुम, हम पूरी तरह से सावधान हैं। और चिंता की कोई बात नहीं, शम्स खान तो आयुधों के नींबू के घोल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा ही करता रह जाएगा। हुकुम हुकुम बाबा जी, और प्रताप मिले नहीं? हुकुम वीरो, हमने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए हैं और हर युद्ध की निशानी हमारी देह पर अंकित है, और किसी भी चोट में इतना दम नहीं था कि हमारी उमंग और हमारे उत्साह को चोटिल कर सके। योद्धा का तो जीवन ही होता है लड़ने के लिए, लेकिन कल जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, ये लड़ाई है मूल्यों की, आदर्शों की, इस माटी की गरिमा और हम सबके गौरव की लड़ाई है, ये हमारी स्वाधीनता की लड़ाई है। ये मेवाड़ की ये पवित्र माटी जिसने हमें जन्म दिया, जिसकी गोद में पलकर हम सब बड़े हुए, आज वो माटी हमसे बलिदान मांग रही है, तो क्या हम सब बलिदान नहीं देंगे? देंगे, 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 देंगे। क्या किसी के मन में कोई हिचक है? नहीं। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.